नाचे 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 चिकने 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 लाले चिक 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 लाले लक चिक चिक लक चिक चिक लक 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 Samrat. Hi, Kiran. How are you? काफी दिनों बाद मिले हम. अरे अरे मार्क यहाँ आके नाचना. अरे यार नाच मेरी बुलबुल. अबे नाचना. नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा. नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा. ये आजकल बहुत नाचने लगा है. चलते हैं. सॉरी चेचे तेरा नाम ही 1960 है. देखो मेरे लिए कुछ भी कह दो पर मेरे नाम के लिए कुछ मत कहना. तो मानो या ना मानो बस मुझे पसंद नहीं है. वो तो बड़े बुजुर्गों ने जीत की तभी मैंने तुमसे शादी की. और नहीं तो क्या इस गली बाबा के सामने तुम चीज ही क्या हो. क्यों मैं तेरे मुकाबले में कुछ कम हूँ क्या. नो डाउट कम हो बहुत कम हो. सुनो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो. मैं सच बोल रहा हूँ. तुम अपनी पढ़ाई बंद करो. मेरे साथ तुम कॉलेज मत आना. वैसे ही मेरे दोस्तों को नहीं पता कि मेरी शादी हो गई. मेरा क्लासमेट बनेगी तुम्हें योग्यता होनी चाहिए. देखो मैं तुमको बुला सकती हूँ पर कॉलेज को नहीं. मैं अभी कंवारा हूँ समझ के बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं. देखती हूँ मैं भी देखती हूँ. देख लेंगे ये गली बाबा की चुनौती है. मैं भी हूँ करके जाता हूँ. ए भाई काम हो गया. हाँ हो गया. इसी स्पीड में जाओगे तो सेंचुरी जरूर बनाओगे. कॉलेज के किसी हसीन लौंडिया को पटाने के लिए सेंचुरी तो क्या डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी भी मार लूंगा. समझ गए क्या. इतनी दूर जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे. सॉरी मैं हमेशा लेते आया हूँ. लेकिन कोई गलत काम मत करना. गलत काम क्या कर रहा हूँ. एंजॉय कर रहा हूँ. तुमसे वो सम्राट बेची अच्छा रहेगा. मैं वही जा रहा हूँ. अबे जहाँ मरना. मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ ठीक है. अबे जा जाना. छोटा गैंग नहीं भाई बहुत बड़ा गैंग है हमारा. मेरा भाई राजेंद्र प्रसाद अली बाबा 40 चोर का लीडर है. तो ये गली बाबा तुम 5 चोरों का लीडर नहीं दोस्त है दोस्त. अरे यार तूने तो सम्राट से भी यही बोला था. ए, मैं मार्क हूँ पावर मार्क. मेरा असली नाम एन अर्जुन. लेटेस्ट नाम मालूम है. अरे नागार्जुन. अरे अपन को तो हीरो सम्राट है. सो तो हूँ यार. किरण तुम जो भी कर रहे हो ठीक है क्या यार. आखिर कब तक इस कॉलेज में रहेंगे यार. हाँ यार. अरे गली ढूंढ हमारे लिए कली. सिल्ली अपने लीडर को ये काम बताता है तू. इस गली से बट टकराना नहीं तो बंद कर दूंगा तेरी नली. अबे जाबे खली. अरे जाबे खुजली. ए मच जाएगी खलबली. अरे ज्यादा बोलेगा तो भेज दूंगा दिल्ली. गली तुझे भेज दूंगा पतली गली. ज्यादा बोलेगा तो लगा दूंगा बिजली. अरे यार क्यों उससे पंगा ले रहे हो. जब भी देखो कुछ ना कुछ बोलते रहता है ये. क्यों तुम उससे इस तरह पंगा ले रहे हो यार. आखिर उसने ऐसा क्या किया. अरे मुझसे पंगा ले रहा था वो. मैंने कुछ नहीं कहा. ये मार्क ही कुछ कुछ बोल रहा था. तो क्यों ये थंडर. क्यों हो रहे हो वंडर. ओए क्यों रे लीडर. तुम्हें क्यों हो रहा है इससे डर. ये बता तुझे क्यों हो रहा है फिक्र. तो क्या कर सकता हूँ लीडर हूँ ना करना ही पड़ेगा मुझे. अरे यार तू भी नमूना है. टिकट ले ले हम लोग कहीं फिल्म देखने चलते हैं. अरे बापरे एक तो 5 लोगों के लिए टिकटें हैं. बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. अरे एक काम करते हैं नीचे बैठ के देखते हैं. तो मुकरी भी ना लंबा लगेगा अमिताभ बच्चन की तरह. हाँ कहीं पर बिठा लेकिन पिक्चर देखा मेरे बाप. टाइम हो रहा है. हाँ सुबह उठ के पता नहीं किसकी शक्ल देगी. इनका सामना करना पड़ रहा है. अरे तूने अपनी शक्ल देखी होगी और क्या. क्यों बे मेरे पैसों से पिक्चर देखोगे और मेरी टांग खींच रहे हो. तेरे पैसों से पिक्चर देखूं और तेरी ही चापलूसी करूं. काले कुत्ते ने काटा है मुझे. चलना शाहरुख की पिक्चर देखते हैं. हाँ जरूर देखना. और पिक्चर की स्टोरी आगे जरूर मुझे बताना. अरे तू भी चलना.
उस्ताद, उस्ताद यहाँ कोसों दूर पर तो कोई भी नहीं है। हाँ मुझे देखने दो, यहाँ दो आदमी खड़े हैं। उस्ताद यहाँ बैठो। बेटी सम्राट, तेरे लिए अंगूठी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी माँ हो तुम। अरे वो अच्छी नहीं, अक्कल से कच्ची है। सुनो, अंगूठी लेकर आओ। तो बैठ बेटा। सुनो, तुम किसी मामूली आदमी के बेटे नहीं हो, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे हो। अगर मुझे मालूम पड़ा तुमने कोई गलत काम किया हो तो तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? समझ गया पापा। आप चाहते हैं कि मैं तिगड़मबाजी न करूं और अपने दोस्तों से दूर रहूं, यही ना? देखिए पापा, मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूं। वो पैसे के नहीं, प्यार के बुके हैं पापा। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। आप नहीं समझेंगे। अगर तुम उसके साथ घूमोगे तो तुम भी उसी की तरह बन जाओगे। कल तक आप एक मामूली आदमी थे, लेकिन आज एक केंद्र मंत्री बन गए हैं। अपने दोस्तों के बारे में मैं ही जानता हूं डैड। बहस कर रहे हो? नहीं नहीं, समझा रहा था। मैंने कभी आपकी बात को अनसुनी की है? तेरी गलती नहीं है, इन सब की वजह तेरी ये माँ ही है। तू इनकी बातों का बुरा मत मान, तू खीर खा ले बेटा। अच्छी है ना? भैया और कुछ चाहिए क्या? नहीं शांति। ले बेटा। राइट, कौन है भैया? टिकट, टिकट लो ना, वोट वोट बनी करना। जल्दी टिकट लो भाई। अरे टिकट, टिकट जल्दी लो। बाप, इस कंडक्टर के साथ शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ची ची ची, जल्दी करो ना, चलो चलो आगे बढ़ो। जिंदगी भर ये नौकरी करते करते अब तो ये नींद में भी बड़बड़ाने लगे हैं। क्या करूं? उधर जाओ मम्मी, इधर जाओ जल्दी। ये देखो, एक तरफ बाप है और एक तरफ बेटा, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को कैसे झेलती हूँ मैं जानती हूँ। इतने लेट क्यों हो गए? टाइम क्या है जानते हो? मैं ट्यूशन के लिए गया था, वहाँ लेट हो गया। बहुत थका हुआ, भूख भी लग रही है। अच्छा अच्छा, चल चल के कुछ खा ले। आजकल तो तुझे खाना भी जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। अच्छा सुन बेटा, तू पढ़ाई अच्छी तरह कर रहा है ना? अच्छी तरह पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कुछ बन पाएगा। तेरे पापा तुझ पर कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे पता है? वो चाहते तो कलेक्टर बने। माँ, मैं पापा की उम्मीदों को जरूर पूरा करूंगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओगे तो मानूंगी। माँ तुम कॉलेज में किसी से पूछ लो, मैं कितनी मेहनत करके पढ़ाई करता हूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अरे किरण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी खा लो, टाइम हो रहा है ना? और थोड़ा चावल ले लो। थोड़ा सा देना माँ। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। आज शाम को क्या प्रोग्राम है? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम क्या? बाहर चलोगी? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। ओके बाय। हेलो टेनिस प्लेयर आशा जी, आई एम गली। ऑटोग्राफ चाहिए क्या? नहीं, फोटोग्राफ। किसके लिए? इश्क। व्हाट? मोहब्बत। हम तुम्हारे हैं सनम। अरे क्यों? आपको गलतफहमी हो गई है, उसने आपसे प्यार नहीं किया। मुझे क्यों मारेंगे? वो देखिए वहाँ पर बैठा है, वो देखिए। अच्छा तो तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर? हाँ तुम जाओ। ठीक है, जाते हैं। तुम जाओ, तुम जाओ, हम जाते हैं। अरे वाह क्या लड़की है यार, मेरा दिल ले गई। अरे उसको देखकर। अरे अभी तक आई नहीं यार। अरे वो कब आएगी? जरूर आएगी यार, लेकिन आशा दिखाई नहीं दे रही है ना। अरे वो रही आशा। आशा अबे लेके जाना। अबे तुम ही चलना। अबे मैं क्यों, तू जाना। इसके हाथ में देता हूँ, ये जाके दे देगी। तू खुद जाके दे देना। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, तुम ही चलना।
ये गिफ्ट मेरे लिए है क्या? क्या करूं यार? ए जाना जाना, प्यार करता है और डरता है। आशा, आज कौन सा दिन है? क्या है? कौन सा दिन है बोलना। मंडे। मंडे ही नहीं, आज वैलेंटाइन डे भी है। हाँ तो तू मेरी प्यार हो ना। मैं तुम्हारा प्यार हूँ। क्यों नहीं? चेहरा देखा है? देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपने चेहरे की नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात कर रही हूँ। तुमसे सुंदर नहीं। समझ गए ना, अब जाओ यहाँ से। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कम से कम ये गिफ्ट तो ले लो ना। क्या है ये? तुम ही खोल कर देख लो ना। ठीक है, लाओ। थैंक यू। क्यों? आपने गिफ्ट जो ले ली। थैंक्स। थैंक्स बोल दिया ना, अब जाओ। देखिए, गिफ्ट के साथ साथ आपको मैं भी पसंद हूँ ना। खाक पसंद आएगा, अपना गिफ्ट ले ले, चल फूट। आशा, आशा, आशा। ओ गॉड। हे, हे, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हैं? वैलेंटाइन डे मना रहे हो क्या? नहीं चलेगा, ईश वेश के यहाँ नहीं चलेगा। चलो फूटो यहाँ से। हैं? क्या बोला बे? ओए, भाई तू चल, चल। अरे गली क्या बताऊँ? इसके बारे में क्या पूछ रहे? बहुत पड़ता है तो। हाँ, एक छोटी सी मदद करनी होगी तुम्हें। अरे बोले ना अंकल, कहो तो जान दे दूं। बात ये है कि इसके साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं। क्या हुआ अंकल? बात ये है कि इसके साथ सिर्फ घूमते फिरते रहोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, इसका डर है मुझे। आपकी बातें सुनकर लगता है कि मैं कुतुब मीनार से कूद के जान दे दूं अपनी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो, इसको तुम्हारे साथ मत रखना। वो अगर मेरे साथ रहता है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ। अगर तुम दोनों इस तरह मिलते रहे तो दोनों का भविष्य सत्यानाश। डैडी आप क्या कह रहे हैं? मैं इसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, न कि तुम्हारी भलाई के लिए। तेरी तो। अच्छा सुन, कल पार्टी के लिए सब तैयारियाँ होगी ना? सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस तुम्हारा इंतजार है, बस चलो। ये बात है, चलो चलो। बस्ती प्यार की छाई है, ये 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 ये, कैसी आग लगाई है, ये 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 ये, मस्ती प्यार की छाई है, कैसी आग लगाई है, दिल से दिल मिल जाने दे, फिर ना आएगा ये मौका, कैसा समा रंगीन है, खो जा इसमें जाने जा, आर्क पिंग बड़ा, आर्क पिंग बड़ा, मौज मना तू मौज मना, मस्ती प्यार की छाई है, ये 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 ये, कैसी आग लगाई है, ये 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 ये। के सागर में डूब तू जाना, मस्ती का भरा हुआ है पैमाना, सुरों के सागर में डूब तू जाना, मस्ती का भरा हुआ है पैमाना, पैमाना पे। इस कॉलेज का मैं तो हूँ यारो माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, कहते हैं मुझको कॉमेडी में चार्ली चैप्लिन, चार्ली चैप्लिन, कंप्यूटर किंग कहते हैं मुझको बिल गेट्स, तू है बिल गेट्स, एक ही बार में धूल चटा दूं हूँ फाइटर, तू है ब्रूस ली, क्रिकेट की यारो मत पूछो, मैदान में हो तो छा जाए, हाथ जोड़े तो नेता है, सबके दिलों पर छा जाए, मेरे बदन में कितने हुनर है, पिछली बदन में इतनी भरी है, डांस की एक एक स्टेप से सबके दिलों में मैं तो ला दूं एक तूफान,
राती प्यार की छाई है, ये कैसी आग लगाई है, ये डिस्को में मेरा सानी नहीं, डिस्को में कहते हैं मास्टर मुझे, मास्टर मुझे, मास्टर मुझे, मस्तों की टोली आ गई तो धूम मचा कर रखतेगी वो, रखतेगी वो, रखतेगी वो, इस काले का हीरा है तू, सब दिलों के धड़कन है तू, घर तू मुझको मिल जाए तू, जीवन अपना हो जाए सफल, अभी जा अब तो मेरे सीने से लग जाना, आँखों में तेरी अजब सी अदाए है, दिल को क्यों बे, क्यों लाइन मार रहा है उसपे, वो मुझे प्यार करती है। अच्छा, और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा, तेरे को पसंद है क्या? अच्छा पता है वो कौन है? अरे लल्लन मिया, वो मैं मारूंगा एक, वो मैं, वो तेरी भाभी है वो? हाँ मेरी भाभी है। हाँ उधर इधर चल फुट, आंखों में तेरे, क्यों भाई क्या हाल है, आज वैलेंटाइन डे है, अरे मजा आएगा भैया, आज किसी खूबसूरत लड़की को मैं अपना दिल देने वाला हूँ यार, वहाँ दो तीन लड़के बैठी है, उनमें से किसी एक को दे दो, अरे इसी दिल में। अच्छा ये दिल है? हाँ। तो ये क्या है? अरे ये तो खजाना है। अरे खजाने के बजाय उसको पता लगा तो तेरी आंखें नोच डालेगी। आंखें नोच डालेगी? देखना मैं कैसे प्यार करता हूँ उन लड़कियों से। अच्छा हाँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, क्या बेकार गाना गा रहा है, जरूर जगाऊं अगर तुम कहो। अरे तूने वो पिक्चर देखी? अरे देखो चलते हैं ना, चलो सब लोग जा रहे हैं, हम भी देखते हैं। देखो देखो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अरे 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 इसीलिए कॉलेज आते हैं आजकल के लड़के। हाय फ्रेंड्स, हाय हाय। अरे तुम तो किस्मत वाले हो यार, तुम्हारे साथ घूमने के लिए गर्लफ्रेंड्स है, अरे मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो देखो आ रही है। ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मैं हूँ एक भंवरा, और तू कली कहाँ चली, छुप गए सारे नजारे, होए क्या बात हो गई, मैंने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। ये बिल भर दो ना। कैसा बिल? अरे मेरे ब्यूटी पार्लर का बिल, मेरा कॉलेज का बिल, मेरा मोबाइल का बिल, मेरे घर के टेलीफोन का बिल, उसके बाद मेरे राशन का बिल, पता नहीं कितने बिल। मैं मर जावा, मैं भावरा भी नहीं, तू कली भी नहीं, चली जाओ जाओ। अरे यार मैं सोचा था प्यार से दिल भर देगी, वो बिल भरने के लिए कह रही है। जिंदगी है प्यार हुआ इकरार, ये पागल वाला इसे जरा पंगे लेता हूँ मैं। आओ बनवारी आओ, आओ क्या चाहिए? सेल देना? नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे यार? बिल है 500 रुपए का, तुझे भरना है तो भर दे। अरे यार हाँ एक जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा जा जा। अरे फोन को यहाँ छुपा के रखे हो? हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 हाँ। दिमाग खराब हो गया इसका। भैया आपको पता है मेरे को मैथ्स में 98% मार्क मिला है। वेरी गुड, आखिर मेरी बहन है ना। ए, 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 रुकना। अरे हेलो, हाँ ठीक है, मैं बात करूँ, कहाँ जाएगा?
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनसे मुझे बचाओ। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, 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 हम भी है। ये मेरा प्यार है, क्या बात है यार। हीरो समझता है क्या खुद का? नहीं तो अब तक तो मैं हीरो नहीं था, लेकिन आपसे हीरो बन गया हूँ। ए, तू बीच में नहीं आना, हट जा। ए, अगर तूने इसे छोड़ने की कोशिश की तो हाथ तोड़ के पैर में दे दूंगा। ये क्या तमाशा बना के रखा है? देख, मैं मार्क हूँ, मार के रख दूंगा। क्या देख, मुझे बचपन में एक पागल कुत्ते ने काटा था, अगर मैं तुम लोगों को काटूं तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। चल भाग यहाँ से। मरेगा? अगर ये काटेगा तो पेट में 14 सुई लगाने पड़ेंगे। हमें ये लफड़ा नहीं चाहिए, चल भागते यहाँ से। अबे काटने देना, दे, दे। चल ना बे, चल। तेरी जात का। देखा कैसे भाग गए? थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन। तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए हैंडशेक करना चाहिए, लेकिन तुमको कुत्ते ने काटा है ना? अरे वो तो मैं फेंक रहा था, वरना ये दोनों यहाँ से जाते नहीं ना, इसलिए बोल रहा था। सच बोल रहे हैं? ऐसा है तो हाथ मिलाइए। इस हाथ को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। यही घर है जी, इसी में रहता है वो। बहुत अच्छा मकान है, 500 रुपए में तुमने बहुत अच्छा घर दिखा दिया मुझे, शुक्रिया जी। मकान में कोई है? घर में कोई है क्या? हाँ, 1 तारीख को खाली कर देगा। क्या? 2 तारीख को आप आ जाना। तब तक मैं क्या प्लेटफॉर्म पर सोऊंगा? वो सब मेरा जिम्मा नहीं है, 1 तारीख को बाहर आएगा, 2 तारीख को आप अंदर जाएंगे। ये सब बेईमानी, 420 फ्रॉड है। देखिए, आपने जो टोकन एडवांस दिया है उसके लिए ये घर, दूसरा घर चाहिए तो दूसरा टोकन एडवांस। अबे नटवर लाल का भतीजा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। बाप रे बाप रे बाप, इस अहमदाबाद नगर के सब लोग, ऑटो वाले से लेकर घर के दलाल तक, सब एक दूसरे को चूना लगाने में माहिर हैं। अच्छा हुआ बच गया। यही तो मेरा दोस्त रहता है, उसको फोन करता हूँ, फोन तो मेरे पास है, उसके घर में टिक जाएंगे। हेलो परिमल, मैं शोभराज बोल रहा हूँ। मैं तो अच्छा हूँ। देखो यार, तुमने तो इधर उधर हाथ मार के अपनी जिंदगी बना ली है, इस बुढ़ापे में भी तुम एकदम जवान दिख रहे हो, मुझे भी अपने जैसा बना दो ना। बना दूंगा। खड़े क्यों हो, बैठ के बात करते हैं। भगवान सुनो, देखो ये है मेरा दोस्त शोभराज, मेरे गांव का है, मैं हमेशा इसके बारे में जिक्र करता था ना, ये है मेरा लंगोटी है यार। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ जी। घर में सब ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। वो सब छोड़ो, इस तरह अचानक मेरे घर में टपक पड़ने का कारण क्या है? इस अहमदाबाद नगर में घर ढूंढने में मेरे पाँव में छाले पड़ गए, पता है तुम्हें, पाँव भारी हो गए हैं। सो तो है। मेहरबानी करके मुझे अपने घर में एक कमरा दे देना भाई। मेरी बेटी इम्तिहान देने के लिए शहर में आ रही है, इम्तिहान देते ही चली जाए। देखो मेरे यार, छोटा रूम देने के लिए बहुत बड़ा दिल का होना जरूरी नहीं है, ये समझ लो कि मैंने तुम्हें रूम दे दिया। एक काम करो, वैसे सुनो, ऊपर वाला कमरा खाली है ना? ठीक है, तुम एक काम करो, सीधे फर्स्ट फ्लोर चले जाओ। माँ ये लल्लू कौन है? चुप रहो, इनकी दोस्त की बेटी यहीं कहीं पड़ रही है, हमारा ऊपर वाला कमरा है, इनकी बेटी के लिए चाहिए। तो फिर मैं कहाँ रहूँगा? तू इतनी चिंता क्यों करा है, तू बीच में टांग मत अड़ा, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। अंकल जी ये हॉल है। अरे वाह बेटा, ये तो शानदार है। मैंने इससे पहले आपको कहीं देखा है? अपने पिताजी के साथ देखा होगा, दैट्स ऑल। क्या? हाँ। आओ, बड़े उदास नजर आ रहे हो, बात क्या है? अरे क्या बताऊँ, मेरे घर में एक आदमी घुसाया है। बाप रे, फिर तो मुझे भागना पड़ेगा। अरे सुन ना यार, जानता है मेरा जो रूम है ना? क्या रूम? हाँ। क्या हुआ? मेरे डैडी ने किसी और को दे दिया है, अब उस रूम में एक लड़की रहेगी और मैं घर से बाहर। तो मामला ये है। हाँ। आदमी को बाहर करना है, यही? हाँ। ना अच्छा, उसके साथ कौन कौन रहता है भाई? वो आदमी और उसकी लड़की। अरे इसमें क्या है, उसकी लड़की पे लाइन मार, वो अपना भाग जाएगा। अरे क्या आइडिया दिया तूने। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक अच्छा सा प्लान बताता हूँ, उससे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्या बात है, मान गए उस्ताद।
Excuse me. Excuse? जरा सेल देना. नंबर चाहिए क्या? नहीं यार, फोन देना. इसका फोन तू क्यों ले रहा है? फोन करने के लिए. क्या कहा? फोन करने के लिए. अरे देना. मेरे बाप लोग सिगरेट मांगते हैं, बीड़ी मांगते हैं, ये तो सेल मांगने आ गया सीधे ही. अरे देना. ठीक है, लो लो लो. हाँ हाँ करीम भाई बोलो, कब आने? हाँ कल आना. अरे बाबा वो सेल है, इतना कल मिल जाएगा यार, और मेरी जेब खाली हो जाएगी. अरे चुप रहे यार. अरे तुम्हें नहीं यार, यहाँ तो नंबर खड़े हमको बोला था. हाँ कल भेज दूंगा यार, तू अपने आप ही भेज देना मेरे पास. अरे ये क्या मेरे बाप, एक तो मेरा सेल यूज कर रहा है और मुझे ही धमका रहा है. अरे कितने क्या जमाना आ गया है. अरे ये क्या, आपने डोली देखा है, मेरा सेल ले गया, क्या आइडिया है ये तो. अरे आइडिया को मारो गोली. हाँ. आइडिया फोन का टॉक टाइम खाली हो जाएगा. हाँ हाँ सही बोल रहा है तू. अरे हे भगवान, टॉक टाइम पूरा खाली कर देगा ये तो. क्या है मुसीबत? अरे हाय ज्योतिका. मेरा नाम ज्योतिका नहीं, मलाइका है. कुछ भी हो, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है. ओहो तो तुम वैसे आए हो. नहीं नहीं, बाइक से आया हूँ. मैंने सोचा हेलीकॉप्टर से आए हो. वो तो रिपेयर में है. रिपेयर में तो तुम्हारा ब्रेन है. नहीं, ब्रेन तो ड्रेन में है. नहीं नहीं, मेरे घर के सामने जो ड्रेनेज है उसे किसी ने ओपन करके रखा है. उसमें तुम गिर जाओ. मैं तो पहले से गिर चुका हूँ. किसमें? तुम्हारे प्रेम में. इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो? ज्योतिका तुम्हारी आंखें मेरा सहारा है, इसीलिए तुम्हें मैं ढूंढ के यहाँ आया. क्यों, जाल बिछा रही हो? अरे नहीं, जाल नहीं बिछा रहा हूँ, मैं तो अपना हाल बता रहा हूँ तुम्हें. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तुम नहीं तो मैं नहीं. ज्यादा नाटक मत करो. ये नाटक नहीं, मेरा प्यार है. दिल चिर के दिखा दूं क्या? तो फिर चलो चलो चलो.
தின்னக்கிட்டோம் கரிகளை தின்னக்கிட்டோம் தின்னக்கிட்டோம் கரிகளை தின்னக்கிட்டோம் யாருக்கு மேரே ஓ மேரி ஜானா தில் சில காலேனா क्या है फोन देना अरे उसका फोन जाके ले लो उसका फोन खराब है यार बात तू करेगा और बिल मुझे भरना पड़ता है यार अम्मा फोन देना ये ले पकड़ जा थैंक्स और कोई काम नहीं है तुझे हाँ भाई बोलो आशा हाँ। तूने मुझे ओके किया इसलिए मेरे दिल को बहुत सुकून मिला यानी ओके कहा तो पसंद है क्या नहीं 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 वो मेरे कहने का मतलब नहीं है मेरा इरादा तो तुम्हारा इरादा क्या है वैसे मैं तुम्हारे प्यार में डूब जाना चाहता हूँ तुम यहाँ प्यार में डूबे रहोगे और वो तुम्हारा टॉक टाइम खत्म कर देगा कहीं वो कबाब में हड्डी न बन जाए इसलिए मैं उसको वहाँ भेज दिया आखिर सेल फोन है हो भी गया तो नो प्रॉब्लम दूसरा ले लूंगा मैं आशा 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 आई लव यू सम्राट सॉरी अरे क्या यार गलत टाइम पे आते हो हमेशा सॉरी क्या है कि सारा मूड खराब करके रख दिया तूने यार इतने मूड में थे तुम अच्छा ठीक है चलता हूँ मैं अच्छा फिर से मत आना है अब हाँ चलते बनो तो ठीक है बता कब आऊँ मैं अच्छा चल लगा रहे मैं चलता हूँ अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो मुझसे टकरा रहे हो Who are you? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में आके हम ही से पूछ रहे हो कौन हो तुम तुम्हारा घर तुम्हें गलत फहमी हो गई है ये मेरा घर है समझ गई तुम्हारा घर क्यों कोई शक है ये मेरा ही घर है अरे 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 झगड़ा क्यों कर रहे हो हा? आंटी देखो तो ये लड़का अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये मेरा बेटा किरण है और मैं इसकी माँ आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था इसीलिए इट्स ऑल राइट माँ ये लड़की कौन है अच्छा सुन तुझे याद है शोभराज अंकल यहाँ आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि अपनी बेटी के लिए कमरा चाहिए तो वो लड़की यही है नाम है सारिका ये किरण है हाय हाय आई एम रियली सॉरी इट्स ऑल राइट अरे अरे बाप रे मेरी तो सब्जी जल गई होगी अरे गली ये देख अपनी खिचड़ी में घी का के टपक गई है अब इसे कैसे पटाया जाए तो बहुत किस्मत वाला है किरण क्या फिगर है देखो बेटा तुम्हें देख के मुझे अपनी जवानी याद आती है रोज सुबह उठ के मैं वर्जिश किया करता था चेहरा सेब की तरह लाल था अरे क्या बताऊं कॉलेज की लड़कियां भौरों की तरह मंडराया करती थी मुझ पर आप धर्मेंद्र की तरह है? काफी हैंडसम है अंकल ऐसे क्या like अरे नहीं आई ये कहीं मुझे धर्मेंद्र बना के मेरी बेटी को फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा वाह अरे दुनिया हुँ? अरे
अरे गली कहाँ जा रहे हो? अरे तेरे पास ही आ रहा था, चलो उस महाशय से घर खाली कराते हैं। बाप रे, अरे इतनी जोर का मारा, मैंने किया क्या है? आइंदा उसे खाली कराने के बाद की तो तुमका कंटाप। अरे बरखुरदार, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? नाराज? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरा उसके साथ चक्कर चलने लगा है। उस महाशय की बेटी फिर मार रहा है मुझे। तूने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे होने वाले ससुर है ना। बाप रे, तेरी हालत देखते हुए लगता है तू लव के चक्कर में पड़ गया। मुझे शर्म। अरे शर्म गई तेल लेने, तो इसका मतलब घर खाली नहीं कराएगा तू? नहीं यार, कभी नहीं। अब वो इसी घर में रहेगी, मैं उससे शादी करूंगा और उसी कमरे में सुहागरात भी मनाऊंगा। बाप रे, इसका मतलब वही है। लगता है मेम साहब पढ़ाई में बिजी है। अभी आया। जो भी हो, पढ़ाई में तो एवरेज है ना? करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ भाई, तुम भी बेकार में टेंशन लेती है। समझे? हाँ ठीक। बड़ा हो गया। देखो। जी डैडी। ये हाथ में किताबें लेकर कहाँ जा रहे हो? पढ़ने के लिए डैडी। ये क्या, मेरी आंखों में झूल झोंक रहा है? नहीं डैडी। मैं दिखने में बूढ़ा हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ डैडी। कब तक इस तरह मुझे उल्लू बनाते रहोगे? ऐसी बात नहीं है डैडी। देखो, ये बाप को ही खराब बना रहा है। ए, उस लड़की पर तेरी नजर है ना? अरे धीरे से बोलिए, सारे का सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुनने दो। वो वहाँ पढ़ाई कर रही है और मेरा भी एग्जाम नजदीक है। सोचा डिस्कस करके आपस में पढ़ाई करेंगे। डैट्स ऑल डैडी, मैं आपको जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा इच्छा है। अब मैं चलूंगा। मेरा बेटा इतना बदल गया है। अभी अभी तो आया हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? कसम से कुछ नहीं। जब मैं झुक रही थी तो क्या देखा ये बताओ। उस बात को छोड़, पढ़ाई की बात करते हैं। उसी में लाइफ है। मैं तुमसे कुछ बोलूं? बोलो। तुम किसी के साथ पिक्चर गई हो? नो। किसी के साथ डेट पे गई हो? नो। कभी प्यार किया है? लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। और मुझे भी सारी क्या। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? किताब पढ़ रहा हूँ। वैसे उल्टी किताब पढ़ने की प्रैक्टिस कहाँ की तुमने? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं कहीं और लगता है। अब तुम सामने बैठी हो तो भला पढ़ाई पे ध्यान कहाँ से लग सकता है? वैसे तुम ही तो पढ़ रही हो। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ रही हूँ? बायोलॉजी? नहीं, नॉवल। नॉवल? क्या बात कर रही हो, एग्जाम नजदीक है तुम नॉवल पढ़ रही हो? सुनो, एग्जाम का मतलब जरूरी नहीं कि पढ़ाई करना है, बस एक बार पढ़ाई करनी होती है, वो भी पूरे ध्यान से। हम लोग चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा अपडेट रहना होगा। मैं चला। अरे जरा रुको तो। जवानी में आंखें खोल कर चला करो। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। या अल्लाह, अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सब आतंकवादियों को बम से उड़ाना होगा। इसके लिए हथियार हाथ में लेने की जरूरत नहीं, बम से उड़ाना होगा, बम से। अभी हम इस दुनिया में सकून से जी पाएंगे। बम विस्फोट होगा, जरूर होगा, आतंकवादियों के नाम और निशान मिटा देंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आपने याद किया? मुन्ना खान को अपने साथ ले लो, जरूरत पड़े तो शिव कुमार को भी बुला लो। और तुम्हें कौन कौन चाहिए बोलो? मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, वरना आज बहुत बुरा होगा। जी, ओके? जी, जय हिंद। जी। उसके ऊपर नजर रखो, उसके ऊपर नजर रखो। अरे वो हमारा आदमी है, हम जो करवाना चाहते हैं वो वही करेगा। तू उसे नहीं जानता, वो हिंदुस्तानी है, हिंदू का बच्चा है। इसके भरोसे तुम रहोगे तो तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। मैंने उसी दिन तुमसे कहा था इस पर नजर रखना। और एक बात, वो जहां भी जाए उसे फॉलो करना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो पुलिस का मुखबिर है। बाद में ये मत कहना कि मैंने नहीं जाना। हाँ मैं देखता हूं। जो ही मैं उसके पास गया तो वो घबरा के एकदम चीख उठी।
चना है, गर्मा गर्म चना ले लो। अरे क्यों डिस्टर्ब कर, चल चल रास्ता ना, चल। अरे ले लेना यार। अच्छा रुक, ये ले पैसे ले और चल। चना ले लो साहब। अरे रास्ता ना, अपने चल पतली गली से निकल जा। अरे दिया तो ना पैसे, चल चल। अरे थोड़ी के ले लो साहब, बड़ा आयल बड़ा, अठन्नी दे तड़ा और रुपया का चना खा। अरे देख अपनी मूंगफली खा के कितना मोटा हो गया है। चल तू भी खा ले, मोटा हो जाएगा। माँ माँ टॉवल। अरे 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 लेकर आ रही हूँ ना, ये ले, जब देखो जल्दी करता है। अरे अरे तू ऊपर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर भी तो बाथरूम है। नीचे बाथरूम खुला है ना? लेकिन नीचे लड़की नहीं है ना। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है डैडी। देखो किरण, तुम्हारी उम्र में मैं भी इसी तरह गुल खिलाता रहता था लड़कियों के साथ। उस उम्र को क्रॉस करके इस उम्र तक पहुंचा हूं मैं आज। आप भी हद करते हैं डैडी। प्रोसीड, ऑल द बेस्ट। इधर कहां जा रहे हो? नहाने जा रहा हूं। यहीं क्यों? नीचे बाथरूम है ना? नीचे पानी नहीं आ रहा है। देखो तुम यहाँ के बाथरूम में नहीं नहा सकते। अंकल प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुना नहीं, तुम नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता, ये मेरा घर है। अरे मैं रोक रहा हूँ, तुम जा रहे हो? लेकिन क्यों अंकल? सारिका अंदर नहा रही है, दरवाजे में कुंडी भी नहीं है, और ऐसे में तुम वहाँ जाकर कैसे नहा सकते हो? ओ ये बात है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नीचे जाओ ना। ऐसा क्यों अंकल? अरे तुम समझते नहीं हो। अरे बेटी तुम आ गई, इतनी जल्दबाजी किस लिए? नहाना जो है। नीचे एक बाथरूम है ना? वो मैं भी जानता हूँ नीचे बाथरूम है। नीचे एक बाथरूम के होते हुए यहाँ के नहाने की क्या जरूरत पड़ती है? वहाँ पानी नहीं आ रहा है। अरे कहाँ जा रहा है? रुको, आपकी बेटी ने परमिशन दे दी, आप चुप रहिए। अरे दरवाजे में कुंडी भी नहीं है, मुझे संभल के रहना पड़ेगा। ये काफी होशियार लड़का है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी नहीं है। किरण मेरी एक मदद करोगे? बोलो तो सही। मेरी एक फ्रेंड की शादी है और मेरा वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। तो जाओ। मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। क्यों, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो उसकी शादी नहीं होगी? बात वो नहीं है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सब मेरी राह देख रहे होंगे, मेरा जाना जरूरी है, प्लीज समझो ना, एक बार मेरी मदद कर दो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? मुझे अपने आप पे भी इतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा मुझे तुम पर है। ठीक है मैं छोड़ दूंगा। सच, थैंक यू। यू आर वेलकम। आखिर हुआ क्या है? कभी बोलता है घर खाली करना है, कभी कहता नहीं करना है। खैर जाने दो, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया, सारी मेहनत बेकार हो गई, क्या करूं? ओहो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई फायदा नहीं, अब कोई और मुर्गा फंसाना होगा। हाँ जाना।
बटी जाए कुछ तो कर सजना। मैं ना भी ये हाल ना हो दिल को जरा समझा। प्यार से जाने जाना जलता है ये जमाना। हाँ लगता है उन दोनों का टांका भिड़ गया। एक तो ड्यूएट गाना भी गा दिया होगा उन दोनों ने। हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो धीरे चलाओ ना। अरे अरे ये क्या हुआ? गाड़ी रुक क्यों गई? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। ओह नो। अब हम यहां से कैसे जाएंगे? तुम रुको। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। तुम साइड हो जाओ। हटो मैं रोकती हूँ। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। लिफ्ट मिलेगी? क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। जंगल में मंगल, कुछ भी गाओ उस्ताद, मजा आ गया। ऐसे में शराब के साथ शवाब होता तो मजा ही आ जाता। अरे बटली, अरे वाह, अरे कौन है यार? लग जाए कहीं पकड़ते हैं। क्या कर रहे हैं तुम लोग? हम कौन है? तेरी इज्जत उतारने के लिए आए हैं? कल कपड़े उतार पकड़। अरे जाने मन छोड़ देंगे, कहा ना एक बार हमें छोड़ने देना है, उसके बाद हो जाएगा।
सुनिए सुनिए चाय। हाँ हाँ भगवान, सुबह 8:30 बजे उठने वाला आज सूरज उगने से पहले ही उठने लग गया है। जरूर दाल में कुछ काला है। उसके बारे में सोचना बंद करके चाय पीजिए। अरे तुम भी। क्या किरण, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लग गए हो तुम? बॉडी बना रहा हूँ डैडी। आखिर क्यों? हेल्थ इज वेल्थ। हाँ ठीक कहा ठीक कहा, बॉडी बनाने के लिए यही सही उम्र है। डैडी हाँ, आज तक तुम्हें काफी बदलाव आ गया है। अच्छा किरण, ये बताओ इस बदलाव का राज क्या है? शोभराज, उन्हें क्यों बुला रहे डैडी? तुम बीच में मत बोलो। शोभराज, लव के बारे में आपको क्या मालूम है डैडी? ये मत बोलो बेटे, तुम्हारी माँ से मैंने लव मैरिज किया है। जानता हूँ। पहले जगह खाली करो। हाँ
बेटे के चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। कर देंगे। आ गया। ए भाई जरा इधर आना। अरे भाई तुझे आना। क्या करने आए हो? भाई की फीस भरने आया हूँ। भाई यहीं पढ़ता है क्या? जी हाँ। ठीक है। कहाँ से आए हो? जामनगर से। अच्छा, देखो बात सुनो, छोटे भाई हो या बड़े भाई, मगर हम है कसाई। जो भी यहाँ आए हम उसे रैगिंग किए बिना छोड़ते नहीं। रैगिंग करेंगे आप? हाँ, हम सीनियर रैगिंग किए बिना छोड़ते नहीं। रैगिंग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, पंगे लेंगे। ठीक है। हाँ तो शाहरुख खान का एक डायलॉग बोलो। मैं बोल नहीं सकता सर। ओके, तो ठुमका लगाना आता है क्या? लगाओ, आप गाना गाइए। हाँ। चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल। वाओ, वेरी गुड। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू। अब शमी कपूर कैसे नाचते हैं दिखाओ। अब गाइए, मैं डांस करता हूँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। अब मेरे भाई गोविंदा है ना, उसकी तरह जरा नाच के दिखाओ। अब गाइए, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो जी। हेलो, ये तो शम्मी कपूर के फिल्म का गाना है, एक्शन किंग अक्षय कुमार की तरह कुछ करके दिखाओ। अक्षय कुमार की तरह? हाँ। अरे ये क्या, इसने तो अपना कुर्ता निकाल दिया। अरे बहुत हुआ, चल चल। अरे क्यों उससे पंगे लिए? अरे मुझे क्या पता, ये सच मुझे अक्षय कुमार की तरह मेरा तंबा उखाड़ेगा। चल चल, बुक्स उठा। चल भैया। नहीं, वो इधर ही होगा, उधर चलते। अहमदाबाद आजकल आतंकवादियों का अड्डा बन गया है और वो इसको दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नो, अगर अहमदाबाद में किसी ने पाकिस्तान का झंडा भी फहराया तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मिस्टर भरत, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आतंकवादियों का नामो निशान तक मिटा दोगे। थैंक यू सर। उन आतंकवादियों को और उन पाकिस्तानियों को मैं ढूंढ के निकालूंगा सर। किससे मिलना है आपको? सम्राट है क्या? बाहर बोर्ड देखा नहीं आपने?
बार बोर्ड देख के आया हूँ, अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए यहाँ आया हूँ मैं। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, तुम यहाँ सर्च करने के लिए चले आए? यहाँ सर्च करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, वारंट लाया हूँ मैं। और कानून को हाथ में लेने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। Come on, search the house. चलो वहां नीचे रखो, नीचे। साहब ये तो बम है। अब क्या कहते हैं, गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में हम उसको गिरफ्तार करेंगे। कम ऑन, टेक द सूटकेस। पता है कब से राह देख रही थी मैं? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए गया था, पर मिला नहीं, क्या करूं? झूठा कहीं का? दरअसल एक काम आ गया था। कैसा काम? वो मैं नहीं बोल सकता। बोलो ना प्लीज। वादा करो कि किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ए, यू नॉटी। ऐसी बातें करते? बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और उसके बाद शोभु, आई एम सॉरी। शोभराज जी, आज बड़े प्यार से बोल रहे हो। मामला ही कुछ ऐसा है। हाँ, मैं सीधे विषय पे आता हूँ। मेरा बेटा किरण तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। अगर तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे से प्यार करती है तो दोनों की जल्द से जल्द शादी करा देते हैं, दोनों को जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड भेज देंगे। बोलो क्या कहती हो? आप जो भी ठीक समझे पापा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है। किरण से अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चट मंगनी पट ब्याह। शुभ काम में देर क्यों, पंडित जी से मिलकर एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। और आखिर बात क्या है? तुम्हारा बेटा आतंकवादियों के साथ मिला है, ये खबर हमें मिली है। उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने शहर में बॉम्ब विस्फोट कराया है, ये खबर हमें मिली है। सुनिए, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है थाने पे चल के बोलना। सर, हमारे दोस्त परिमल ट्रेड यूनियन लीडर है, लाखों कर्मचारी इनके नीचे काम करते हैं। देखिए आपको, तुम चुप रहो। देखिए, मेरा बेटा हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह से तकरीबन 650 आदमी मारे जा चुके हैं, पता? हाँ? ये कैसी बातें किए जा रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, हम सच बोल रहे हैं। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अपने बेटे को सरेंडर होने के लिए बोल दो, वरना हम उसे एनकाउंटर में मार देंगे। अरे यार, हमारे कॉलेज में अचानक पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई? हाँ यार, सही कह रहे हो। यार सम्राट कौन है? ये है सर। जी मैं हूँ। अच्छा, और ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या? ऑफ कोर्स, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये है मार्क, ये किरण।
आतंकवादियों के साथ तुम लोगों का संबंध है ना? लेकिन बात क्या है बताइए ना सर। बताता हूँ इंस्पेक्टर, अरेस्ट हम किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं हमको? क्योंकि तुम लोगों ने आतंकवादियों का साथ दिया है। क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने साथ दिया, वो भी आतंकवादियों का? हमें खबर मिली है कि तुम तीनों आतंकवादियों से मिले हो। ये झूठ है। अरे दम, अरे मैं कौन हूँ जानते हैं आप? जानता हूँ, तूने अलकायदा के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में बम विस्फोट करवाया है। चाहे तू केंद्रीय मंत्री का बेटा हो या प्रेसिडेंट का, नहीं छोड़ेंगे। तुझे सजा दिला कर आएंगे। कमान भैया। आशा, ये तुम्हारे भैया हैं? भैया वो, सॉरी, नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। लिसन, हाँ मिस्टर भरत, स्पेशल ऑफिसर। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तो मैं इनके बारे में क्या जानती हूँ, ये लोग आतंकवादी हैं। आपको गलत फहमी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर टेररिस्ट। नहीं है, देखो इनके तार अलकायदा आतंकवादी से जुड़े हुए, तुम नहीं जानती हो। लेट मी डू माई ड्यूटी। देखो आशा, अरे बापरे, कॉलेज में पुलिस दाखिल हो गई है। ये लोग आतंकवादी है, सम्राट को अरेस्ट कर रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मैं कह सकता हूँ। कमान इनके लिए। तुम्हारा ही नाम मार्क है ना, और तुम इस गैंग के किंग हो। नहीं सर, नहीं मार्क नहीं, मैं नागार्जुन हूँ। नकली नाम भी रखा है? नहीं साहब, नहीं नहीं, इन अर्जुन को नागार्जुन नागार्जुन बोलते हैं साहब। तू तो बड़ा सयाना लगता है, सुनने में आया है कि तू कॉलेज की लड़कियों को रैक करने के मामले में सबसे आगे है। नहीं नहीं, कसम से मैं ऐसा नहीं हूँ साहब। और कौन कौन है तेरे गैंग में, जल्दी बता। सच बोल रहा हूँ, हमारे ऐसे कोई गैंग नहीं। मत बोल, मत बोल, सच। नहीं सच बोल रहा हूँ, माँ की कसम खा रहा हूँ, ऐसा कोई गैंग नहीं है हमारा। इस काम के लिए तूने कितने पैसे लिए आतंकवादियों से, बोल। पैसे, और वो भी आतंकवादियों से? ये क्या बोल रहे हैं साहब, आतंकवादियों के नाम से मैं पेशाब करने लगता हूँ साहब। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बोल सच, सच बोल। नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं सब, नहीं सब, सच बोल बे। अगर सच नहीं बताया तो तुम तीनों को यही जिंदा गाड़ के रख दूंगा मैं, याद रखना। सर कसम से हम लोग कुछ नहीं जानते सर। मेरी आंखों को देख के बोल, यहाँ यहाँ देख के बोल। सर सच बोल रहा हूँ सर, सर मैं केंद्रीय मंत्री का बेटा हूँ सर। तो तुम्हारे सूटकेस में बम और हथियार कैसे आए, ये बताओ। तेरा बाप एक केंद्रीय मंत्री है और तू आतंकवादियों के साथ मिलकर बम विस्फोट करा रहा है। लोग तेरे बाप की पूजा करते हैं, और एक तू है जो उनके नाम को बदनाम करने पर तुला हुआ है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है सर, इसलिए मुझे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया होगा सर। शट अप, बोलो तुम्हें हथियार कौन सप्लाई करता है, कौन है वो लोग, आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों चुना? इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले? कागज के चंद टुकड़ों के लिए तुम तीनों ने अपने जमीन को भेज दिया क्या? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सच बोलो सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ साहब सच बोल रहा हूँ। मैं तुम तीनों को टाइम देता हूँ, सच सच बताना मुझे, वरना टांग काट के रख दूंगा। साहब आप कॉलेज जाके हमारे बारे में पूछ लीजिए साहब, हम बदमाश जरूर है लेकिन देशभक्त है साहब। हाँ जी, वो तो वक्त ही बताएगा। हम बेगुनाह हैं सर। अलकायदा से तुम्हारा क्या संबंध है, बोलो। ये झूठ है सर। झूठ नहीं, यही सच है। मुझे चित्र मालूम है और तुम लोगों के बारे में इसी कान से सुना मैंने। मैं पिस्तौल के भरोसे नहीं, हिम्मत से काम करता हूँ। साहब आपके लिए फोन है। हेलो मिस्टर भरत, उनकी गिरफ्तारी हो गई? तीनों की गिरफ्तारी हो गई है सर। उन तीनों में से एक वीआईपी का बेटा है, उसके साथ बिल्कुल सख्ती मत करना तुम, ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। यस सर, दो दिन पहले मुझे खबर मिली थी कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग से इनकी तार जुड़े हुए हैं सर, और सबूत के साथ मैं उन तीनों को अदालत में पेश करूंगा सर। उसकी पहुंच ऊंची है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे लिए अपने फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं है सर। चाहे कोई भी आ जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा सर, और आप तो मेरे बारे में जानते ही है ना सर, इसीलिए बोल रहा हूँ, जरा होशियार रहो। नॉट वरी सर, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं तो सिर्फ भगवान से डरता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट मिस्टर भरत। ओके सर, थैंक यू सर। उनके मुंह से अब तो सच उगलवाना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप,
पुलिस वालों को हमारे घर से हथियार मिले हैं और वो हमारे बेटे सम्राट को अरेस्ट करके ले गए। सुनो, उसके कमरे में से गोलियां मिली हैं। अब वो जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या आपके पहुँच नहीं है? मैं क्या कर सकता हूँ, कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, ये जानती हो ना। गलती करने वाला मेरा बेटा भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उसे नहीं बचा सकता। कई बार मैंने उसे समझाया, गलत लोगों से दोस्ती मत करना, सुना क्या? नहीं ना, आज वो लॉकअप में है, उसकी वजह से लोग मुझ पर थूक रहे हैं। शिट। अभी भी आपको सिर्फ अपने नाम की चिंता लगी है, मेरे बेटे की नहीं। कैसे इंसान है आप? सुनो, जब वो अरेस्ट हुआ तब सम्राट अरेस्ट, स्टूडेंट सम्राट अरेस्ट ऐसा नहीं लिखा था। केंद्रीय मंत्री का बेटा अरेस्ट हुआ ऐसा लिखा था, पता है तुम्हें? उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। विपक्षी दल अब मुझे इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं, प्रेस वालों के सामने शर्म से मेरा सर झुक गया है। विधानसभा में विपक्षी दल इसको एक मुद्दा बनाकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे, जानती हो? छी, इतना होने के बाद भी सिर्फ आपको आपकी पार्टी की चिंता लगी हुई है, मेरा क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं आप? अगर पार्टी से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? बेवकूफों की तरह बात मत करो। मैं बेवकूफी हूँ जी, आपके सहारे में अभी तक जो जिंदगी बिता रही थी इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वहाँ मेरे बेटे का पता नहीं क्या हाल कर रहे होंगे, किस तरह के जुल्म कर रहे होंगे उस पर। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। मुझ पे इल्जाम लगाना अब बंद कीजिए, और क्या करना है पहले वो सोचिए। बिमला, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सारी जिंदगी आपके साथ बिताई पर अभी तक नहीं समझी हूँ। मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। ये तो विधि का विधान है, होनी को कौन टाल सकता है, बताओ। आंटी रोइएगा मत प्लीज, किरण को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी तुम्हें भरोसा है बेटी? हाँ पापा, किरण ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं, वो किसी की साजिश का शिकार बन गया है। You are right. भरोसा दिला के धोखा देने वालों कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कहीं भी होगा ढूंढ निकालूंगा। देखो तुम तो उसके जिगरी दोस्त हो ना, कैसे भी करके उसका पता लगा के हमें जल्द से जल्द खबर दो, वो बेकसूर है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पाप किए जो इस जन्म में सब उगत रही हूँ। मेरा किरण, मेरा बेटा किस हाल में होगा? तुम शांत हो जाओ, गली संभाल लेगा। अरे आशा, आज कॉलेज नहीं गई? कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा, जब दिल करेगा तब जाऊंगी। आई एम सॉरी आशा। तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्यूटी मुझसे ज्यादा है ना, तो तुम मुझसे बात मत करो प्लीज। आशा मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। अपने भाई को समझने की कोशिश नहीं करती हो क्या? समझो आशा, मैं जानता तुम मुझसे गुस्से में हो, गुस्सा थूक दो, मुझे माफ कर दो बेटा प्लीज। आई एम सॉरी आशा प्लीज। मुझे बात नहीं करनी है, और तुम भी मुझसे बात मत करो। अरे मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, तुम कहो तो उठक बैठक लगाऊं। भैया ऐसे मत कहो, तुम मुझसे माफी मांगते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ कहूं? अच्छा कहो। देखो आशा, कल गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या बक दिया, मुझे ऐसे नहीं करना था। तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है भैया, सच जाने के बाद बात करो। आखिर क्या बात है? हमारी फ्रेंडशिप की बात। हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि उसके घर में किसी ने हथियार छुपा के रखे हैं। वो झूठ है आशा, बिना सबूत के मैं उसे गिरफ्तार क्यों करूं? मैं पागल हूं क्या? सम्राट के घर से मैंने हथियार बरामद किए हैं, तुम जानती हो? ये काम किसी और का भी हो सकता है। किसका? हमारे घर में अगर हथियार मिले तो हम गलत होंगे क्या? हमारी बात अलग है। क्यों, हमारे सिंह है क्या? मेरी एक पोजीशन है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन वो केंद्र मंत्री का बेटा है। वो बात नहीं आशा, उसका टेररिस्ट के साथ संबंध है, ऐसा मैसेज आया है मुझे, इसलिए मैंने गिरफ्तार किया। हो सकता है दुश्मनों ने उन्हें फंसाया हो। आशा समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? भैया तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या? किसने कहा नहीं है, तुम तो मेरी जान हो। तो फिर मेरी बात सुनिए, वो निर्दोष है और इसमें कोई शक नहीं। आशा
अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं जानता। सच कह रहा हूं आशा, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। मेरा विश्वास करो, अगर तीनों बेकसूर हैं तो मैं उन्हें बाइज्जत बरी करवा दूंगा। अगर तीनों कसूरवार हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये मत भूलना। ओहो, ये क्या बोल रहे हैं आप? उन तीनों की बात को छोड़कर तुम कुछ और बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बहन हो ना। अब तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। सर, कल हम तीनों को कोर्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तुम सुरक्षा और कड़ी कर दो, बच के निकलने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। टी अलर्ट। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने केंद्रीय मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया है, वो एक वेबी का बेटा है, जानते हुए आपने अरेस्ट किया उसको? जस्ट वेट एंड सी। सर, आप उन तीनों को कब अदालत में पेश करने जा रहे हैं? उनके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है क्या? कोर्ट में केस चल रहा है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। वक्त आने पर मैं खुद आप लोगों को बुला लूंगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगा। सर। यस। वो तीनों हमें चकमा देकर भाग गए सर। व्हाट? ये सब कैसे हुआ? कोर्ट ले जाते वक्त ये हुआ सर। शट अप नॉनसेंस, कहां थे तुम लोग? इन्फो अबाउट पुलिस स्टेशन, टेल एवरीबॉडी, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, जल्दी जाओ, जल्दी, कम ऑन, फास्ट फास्ट गो। इडियट। नमस्कार, मैं हूं रवि के किरण। विशेष सूचना, आज सुबह 8 बजे तीन आतंकवादियों को अदालत ले जाते वक्त वे पुलिस को चकमा देकर भाग गए। उनका नाम है किरण श्रीवास्तव। भैया जेल से फरार हो गए माँ, ये क्या सुन रही हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, क्या होगा माँ? अपने पापा को फोन लगाओ। पापा ने डांटा तो? अरे पहले फोन लगाओ। पापा, भैया जेल से फरार हो गए ऐसा अभी अभी टीवी में देखा, आप मामा से बात करो ना। हेलो, क्या हुआ? अभी मालूम हुआ। ये ऑर्डर आप रुकवा दीजिए ना। नहीं शांति, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, कानून को अपना काम करने दो, आई एम हेल्पलेस। यानी क्या वो आपका बेटा नहीं है? अपने बेटे को यूं ही मरने देंगे? कैसे पिता हैं आप? आप पत्थर दिल क्यों हो गए हैं? बेकसूर होकर भी सजा भुगत रहा है, जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपके केंद्रीय मंत्री होने का क्या फायदा? नहीं बिमला, हम कुछ भी नहीं कर सकते। चीची, कैसे बी रहे हैं आप? आपको अपनी पार्टी के अलावा अपने बेटे के बारे में सोचने का वक्त नहीं। ची बिमला, बिमला क्या बोला पापा ने? तुम्हारे बाप को बेटे से ज्यादा पार्टी सब कुछ है। माँ, भैया को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं जानती, भगवान का सहारा है अब। साई बाबा, हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। हेलो आशा, हमारा प्लान सक्सेस। अच्छा, ये क्या कह रहे हो? सुनो आशा, अपने लोगों को बचा लिया मैंने। वेरी गुड। प्लान के मुताबिक हमने पुलिस की जीप को रास्ते में पंचर कर दिया, घोड़ा गाड़ी को आगे भेज कर हमने पुलिस की आंखों में धूल झोंका, अपने लोग एस्केप हो गए। स्टूडेंट्स को क्या समझ रखा है? फिलहाल वो लोग कहाँ हैं? बड़ी खूबिया जगह है। लेकिन कहाँ? सुनो, यही तो सस्पेंस है। एक बात तो खास है, अगर वो जगह तुम्हें पता लग जाए तो बहुत शौक लगेगा तुम्हें। पहेली मत बुझाओ, बताओ ना कहाँ है। यहाँ कैसे आई तुम? अरे भागे आ रहे हैं ऐसा। हाँ, परमिशन लेके आ रहा हूँ। अच्छी बात कही तुमने, जेल से फरार होके आ रहा हूँ। क्या कहूँ, इससे सेफ जगह और कहाँ मिलेगी। हाँ यार। ओके, घर तक तो आ गए, लेकिन अब मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊँ? कहीं भी छुपा दो ना। बेडरूम में छुपाना सेफ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में ही रहूंगा। ए, अभी भी मजाक सूझ रहा है। मैं अपने बेडरूम में किसी को आने नहीं दूंगी, कहीं और। हाँ ठीक है, चलेगा यार।
हमें बचाने वाले भगवान नहीं, ये देवी हैं। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि आसमान में तारे हैं, रात में सोएंगे तो बहुत मजा आएगा, हम लोग मस्ती करेंगे यहाँ। ठीक है, अच्छा लगे या ना लगे यहीं छुपना होगा। अच्छा अच्छा, अपने कपड़े उतारो। अरे बाबा ये पहन लो। हम पहन लेंगे, आप जरा बाहर जाइए ना। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे वो मेरा जल्दी कर, वो मुझे दे। खेल खेल में साला जेल जाना पड़ गया, और वो भी तेरे लिए। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे इस कपड़े में मैं कैसा लग रहा हूँ? पंजाबी ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है रे। काफी पैसे कमा सकते हो अगर तुमने मुझ मुड़वा लिए तो। आहू आहा आहा। अरे यार हमारी हालत हिजों जैसी हो गई है। हट जाओ, मुझे शर्म आ रही है, मर्द को तुमने हिजड़ा बना दिया, हिजड़ा। इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं पहना दूं क्या? अरे नहीं मेरी माँ, माफ कर दो, जो कुछ भी यहाँ पर है हम उसे पहन के एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो जी में आए करो, बस तुम लोग यहीं पर रहना। इस बेडरूम का एक अटैच बाथरूम भी है, सो नो प्रॉब्लम। तुम सबका खाना मैं लेकर आ जाया करूंगी, तुम लोगों को जो भी चाहिए मुझसे कह दो। हाँ, अगर भैया आ जाए तो बेड के नीचे छुप जाना, ठीक है? ये बताओ तुम किस भैया की बात कर रही हो? यानी मेरे भैया। अभी आएंगे क्या? टाइम तो हो गया है। अरे बाप रे, छुप जाओ, जल्दी नीचे छुपो यार। मिस्टर भरत, आई एम सॉरी। सर, किस लिए सर? और क्या करें, वो तीनों आतंकवादी जेल से जो भाग गए हैं इसीलिए, और आपने उनकी मदद की? मैंने कोई मदद नहीं की सर, वो बच के भाग गए। नो, तुम जैसे सिंसियर ऑफिसर की लापरवाही से ही वो तीनों जेल से निकलकर भाग गए। अगर सही बंदोबस्त होता तो वो लोग कोर्ट जाते वक्त पुलिस की हिरासत से निकलकर इस तरह भागते नहीं। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? आई एम सॉरी, आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं सर, मेरी वजह से वो नहीं भागे हैं। तुम्हें यकीन है तुम इन तीनों को दोबारा पकड़ पाओगे? श्योर सर, उन तीनों को मैं इन्हीं हाथों से पकड़ कर, यदि सलाखों के पीछे नहीं किया तो मैं आईपीएस भरत नहीं। कोर्ट ले जाते वक्त उन तीनों ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर बच के भाग गए सर। जब तक उन तीनों को नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इट्स माय वर्ड सर, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो करके भी दिखाता हूं सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बोलो। सर, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है सर, मैं आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। अपने फर्ज की खातिर मैं अपनी जान तक लुटा दूंगा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला पुलिस अफसर हूं सर। उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद ही मैं आपके सामने आऊंगा। ऑल द बेस्ट। आई विल डू माय बेस्ट सर। रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। क्यों जी, इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं तुम्हें? बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताऊं बिमला, पुलिस वालों का कहना है कि हमारे बेटे का आतंकवादियों से संबंध है। क्या? तुम्हारे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लोग मुझे देशद्रोही के बाप कहकर पुकारने लगे हैं। किस जन्म के पाप की सजा मुझे दे रहा है वो। मेरा जीना ही दुश्वार हो गया है। अब क्या होगा? क्या कहूं मैं, उसकी वजह से मैं बदनाम हो गया हूं। आप इस तरह टेंशन होने के बजाय अपने बेटे को बचाने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं? आखिर वो आप ही का तो खून है, अपने खून पे भरोसा नहीं आपको? मम्मी ठीक है तो करिए ना बाबा, अगर आप भैया को नहीं लेकर आते हैं तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी बाबा। प्लीज शांति। पापा सुन लीजिए, आप मेरी शादी तभी होगी जब भैया आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। उसने पाप किया है और सजा तुम क्यों भुगतना चाहती हो? गलती उसने की, भुगतने दो। सर, हर जगह ढूंढा हमने लेकिन वो नहीं मिले। शहर का कोना कोना छान मारो, शहर में जितने भी होटल्स हैं वहां जाके ढूंढो, वो तीनों जरूर इसी शहर में होगा। सर, हमें लगता है कि वो तीनों मुंबई से फ्लाइट पकड़कर नेपाल के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। अगर आप परमिशन दें तो टीम को लेकर मैं नेपाल पहुंचता हूं सर। अब उन तीनों को मैं ही पकड़ूंगा, बहुत जल्दी उन तीनों को पकड़ के दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस पुलिस की नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आई मीन इट। अब तक कहां थी तुम? मैं अंदर थी भैया।
टेंशन टेंशन टेंशन। वो तीनों भागे मेरी आंखों में धूल झोंक के। अब मैं क्या करूंगा? कुछ खा लो भैया। नहीं आशा, भूख मर गई है। एक और बात, उन तीनों की वजह से मेरी भूख मर गई। अगर वो तीनों मेरे सामने आए तो गोली से भून डालूंगा मैं। और डीजीपी के सामने मेरा सर झुक गया शर्म से। इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है? बोलो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन टेंशन टेंशन। हाँ आशा, मैं तो भूल ही गया, बेडरूम में एक फाइल है। मैं लेकर आती हूँ भैया। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती हो फाइल कहाँ। मैं ही जानता हूँ, मैं लेके आता हूँ। नहीं भैया, मैं जाती हूँ ना। नहीं आशा, मैं जाता हूँ। ओके नीचे कैसा लगता है? अच्छा लगता है यार। तूने देखा नहीं, डिप्टी कमिश्नर के पांव मेरे हाथों में है। अरे यार मैं कैसे बताऊं, दर्द से मेरी जान जा रही है। फाइल मिल गई, इसी को ढूंढ रहा था। आखिर मिल ही गई फाइल, इसे ले जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना है। आपका बेटा जेल से फरार हो गया, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो पुलिस की गलती है। अरेस्ट करते अगर अदालत में पेश कर देते तो आज वो भागता नहीं। सर दरअसल हम भी उन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। सुनो, तुम महज एक जर्नलिस्ट हो, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। उसका पता लगाना पुलिस का काम है ना कि तुम्हारा। सिर्फ खबर छापना ही तुम्हारा काम है। सर पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आओ आओ बैठो, अपने बैच में मैं अकेला ही बचा हूं। जानते हो क्यों अकेला रह गया हूं मैं? अपने बैच को पुलिस से बचाने के लिए। लेकिन तुम कैसे बच गए? आशा अगर हमारे स्टूडेंट्स बेकसूर हैं तो तुम्हारे भैया छोड़ देंगे ना? काफी समझाने पर भी भैया मान नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, इन लड़कों की गलती क्या हो सकती है? सम्राट के घर से हथियार मिले हैं। वो कैसे? सम्राट के घर और भी कोई जाता था क्या? हम ही जाते थे। सेंट्रल मिनिस्टर के घर में सिक्योरिटी होती है, हमें तो पहचानते थे, इसलिए हम लोगों को छोड़ते थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हथियार अंदर कैसे गए होंगे? वो बात नहीं, सम्राट के फोन से इंटरनेशनल टेररिस्ट का कॉल को ट्रेस किया गया है। फोन और माफिया को? नेवर, हम लोग इतने घटिया किस्म के लोग नहीं है। लेकिन सेलफोन में उसका नंबर कैसे आया? सेलफोन में मुझे याद आ गया। क्या याद आया बोलो? पंडा। वो कौन है, तुम्हारा फ्रेंड? हाँ वही तो, वो हम सबका ही फ्रेंड था, वो हम सबके सेलफोन यूज किया करता था। अच्छा, पंडा को हम किसी भी हाल में पकड़ेंगे, उसके लिए काम करना होगा। पंडा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस बात की खबर है। हाँ? तभी वो घुल मिल के बात कर पाएगा। किसी भी तरह उसे सरेंडर करा के हम अपने लोगों को बाहर निकाल लेंगे। यस गुड डिसीजन। यानी कि उस घर में हथियार पहुंचाने वाला पंडा ही होगा। आज से मैं उसका साये की तरह पीछा करूंगा। ओके, तुम्हारे पीछे हम भी रहेंगे। ओके डन डन। पता नहीं, धीरज रखो बेटी, कुछ नहीं होगा। अंकल अंकल, एक क्लू मिला है। क्या है वो? हमारा एक क्लासमेट है जिसका नाम पंडा है। वो हमेशा मेरा फोन मांग कर यहाँ वहाँ फोन करता रहता था, और वो सम्राट के घर भी जाता था। उसी ने ये सब कुछ किया, मुझे डाउट है। यानी ये सब कुछ जरूर उसी का किया धरा है। कुछ भी करके उन तीनों को बाहर निकालना है। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो गली, मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तक मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता आ रहा हूँ। दिल में कुछ मत रखना, मेरे बेटे को बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे बचाओगे। ये क्या अंकल, आप मेरे पिता समान हैं। अंकल अगर किरण का पता चल जाए तो कौन कितने पानी में, सब पता लग जाएगा। अरे यहां कैसे पहुंच गया? जरूर दाल में कुछ काला है। चलो देखते हैं।
टेलीग्राम? क्या लिखा है उसमें? कुछ नहीं। बताओ ना क्या लिखा है उसमें? कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। जरूर कुछ है आशा, प्लीज हमारे दरमियान इतनी दूरी क्यों, बोलो। तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम आया है और वो टेलीग्राम अहमदाबाद से आया है। मगर किसने भेजा? मेरी बात सुनो सम्राट, तुम अगर चाहो तो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सकते हो। सच कहूँ, ऐसे सुनहरे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। एक ही बार मौका मिला है उसे और उसे तुम खोने के लिए कह रही हो। कैसी फ्रेंड है तू। थोड़ा अचार ले लो। अरे सुनो। आचार तो ठीक है लेकिन गोश्त के पीस तो नहीं है ना, ये क्या? पीस मांगोगे तो पीस पीस कर दूंगी। हाँ इसको। आओ। ठीक है ठीक है, ये लो सम्राट, थोड़ा ले लो। इत्मीनान से खा भी नहीं सकते। किरण। हाँ हाँ थोड़ा दो। खाओ ना। मजा आ गया। ठीक से खाओ ना। आशा, आशा दरवाजा खोलो। अरे अरे भैया, आगे भैया। जल्दी छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, सब जल्दी छुप जाओ। आ रही हूँ भैया। ओहो, स्नान कर रही हो? आई एम सॉरी। ये भगवान बचा लिया। खाओ बेटी। मेरी माँ ने इसे बनाया है, खा के देखो। बहुत बढ़िया है। माँ के हाथ में जादू है इसलिए मजेदार है। लवली, सो स्वीट। किरण, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आंटी आपका बनाया खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर। ये सब मैंने बनाया? किसने कहा? क्यों रे? अच्छा किरण, आंटी के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? वो क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। झूठा कहीं का? तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही पता है? अगर मेरा बस चले तो तुम दोनों की शादी करा दूं। क्यों किरण? थैंक यू मामा। यू वेलकम बेटा। खाओ ना। मैं आशा बोल रही हूँ। वो फोन में बात नहीं कर सकता, प्रॉब्लम होगी। बस एक बार उससे बात करा दो। ठीक है, एक बार बात कर लो तुम। किरण, तुम्हारे लिए कॉल। हेलो। कहाँ चले गए थे तुम? मैं अकेली पड़ गई। मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी वो बातें, हमारा साथ साथ घूमना, सब कुछ याद आता है। किरण कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। I can't live without you. और मैं भी। क्यों मुझसे इतनी दूर चले गए? क्या मुझे याद नहीं करते हो? I love you. I miss you, किरण. I miss you. दो मुझे भैया। अरे हेलो, तुम नोट कब दे रही हो? आशा। अरे भैया, भैया क्या बात है? आशा फोन पे कौन था? मेरी फ्रेंड थी भैया। कहीं वो सम्राट किरण मार्क उन आतंकवादियों से बात नहीं करी थी ना? तुम तो हमेशा शक की निगाह से देखते हो भैया। सॉरी डियर।
में लगाई, आज जिया बस भी नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस भी नहीं है। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दी तुझको दिया अपने समझ के। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दी तुझको दिया अपने समझ के। प्यार तेरा जाने जा, दिल में बसा है, दिल मेरा ले गए ये दिल कश हसी। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। क्या हुआ आशा, बोलो ना। भैया को शक हो गया है। शक हो गया? क्या उन्होंने हमें इस घर में देख लिया है? मैं नहीं जानती। फिर ये तुम कैसे कह सकती हो? वो तो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें शक हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा वहम होगा। जानते हो, मेरे भैया का शक अगर यकीन में बदल गया। हाँ, मैं जानता हूँ। तो तुम सब अंदर हो सकते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब और झूठ बोल के अपने भैया की नजर से गिरना नहीं चाहती हूँ। आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई बतानी होगी ना। हेलो ऑफिसर, तूने हमारे जिस टेररिस्ट लीडर को अरेस्ट किया है, भला इसी में को उसे रिहा कर दो। तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे ही उसे छोड़ने के लिए बोल रहा, उसकी जान लूंगा मैं। ऑफिसर, जल्दबाजी नहीं,
खामखा रिस्क उठाना छोड़ दो, मारे जाओगे। क्या करोगे तुम, मेरी जान लोगे क्या? आई डोंट केयर। अरे तुझ जैसे देशद्रोही को पता ढूंढ कर मैं तिहार जेल के अंदर नहीं डाला तो मेरा नाम भी आईपीएस भरत नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए मुझे ऑफिसर। तू कौन है? अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो तेरी बोटी बोटी करके गली के पागल कुत्तों को खिलाऊंगा, ये मत भूलना ऑफिसर। जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तुझे पता है ना? ओए, उस कमीने को क्या सजा देनी है ये मैं जानता हूँ। तब से मेरे भैया उसके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे में तुम लोगों को यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। आखिर कब तक मैं तुम लोगों को यहाँ पर छुपा कर रख सकती हूँ? तुम लोगों की असलियत में जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर पनाह दी है। मेरे भैया के लिए फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम सबको सावधान कर रही हूँ। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ भैया? क्या बताऊं आशा, एक तरफ पुलिस वाले मेरी जान ले रही है और दूसरी तरफ आतंकवादी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़के गुनाहगार नहीं है भैया। अगर वो गुनाहगार नहीं है तो फरार क्यों होंगे जेल से, ये बताओ। मैंने तभी कहा था आपसे, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा, सबने कहा, फिर भी नहीं सुना। कम से कम अपनी बहन की बात तो मान लेते, वो भी नहीं। अब बोल के क्या फायदा आशा? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था। नहीं आशा, अगर वे बेगुनाह हैं तो मैं जरूर उन्हें बचा के रहूंगा। तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे भैया? प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आप उन्हें बाइज्जत बरी करा देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारी कदम। ओके किरण, सम्राट, मार, सब लोग बाहर आओ। अच्छा, तुम लोग यहाँ छुपे हो? जी हाँ सर, एक हफ्ते से यहीं पर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया आशा। ओके, तुम लोग यहीं रहो, तुम भी रिलैक्स हो जाओ। ओके, दरअसल तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए भैया। आज मैं रिलैक्स हो गया हूँ आशा। हजारों गुनाहगारों को सजा दिला सकता हूँ मैं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दूंगा। अब बताओ। सर, हमारे कॉलेज में एक लड़का है जो अक्सर हम लोगों से मोबाइल लेकर घंटों किसी से बात करता रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किरण और सम्राट से भी पूछ सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसने मेरा फोन लेके कईयों को उसने फोन किया है सर। हाँ, उसका नाम पंडा है सर, उसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन वो क्या करता है हमें नहीं पता। कसम से हम बेगुनाह हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए सर, प्लीज। ओके ओके, यानी उसका नाम है पंडा। जी हाँ, कल उसे मिलना चाहूंगा मैं। जी साहब। सर, यही है पंडा। हे पंडा, तेरी वजह से हम तीनों को 15 दिनों तक जेल की हवा खाने पड़ी। तूने तो हमें फंसा दिया यार। आप ही पूछिए सर। पंडा, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, किस लिए सर? मेरे बेटे ने क्या किया? ये सबसे बड़ा देशद्रोही है, आतंकवादियों के साथ मिलकर इसने कई जगह पर बम विस्फोट कराया है माजी, ये बहुत बड़ा आतंकवादी है। पंडा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तूने ऐसा किया है? सच बता, तूने अपने देश के साथ गद्दारी क्यों की बेटे? लानत है, यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था। ये सब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा देश के लिए गद्दारी करेगा और गद्दार निकलेगा। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले तो मैं मर जाती तो अच्छा था। माँ, किसे माँ कहता है तू?
जानता है तेरी पैदाइश के लिए एक एक मंदिर में जाकर कितनी मन्नतें मांगी थी हमने, तब जाकर तू पैदा हुआ और आज ये दिन दिखाया मुझे। तुम्हारे पापा की कितनी इच्छा थी कि तू बड़ा होकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएगा, लेकिन आज तूने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बेटे, पानी फेर दिया। नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, ये सब नहीं होगा। माँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। माँ सुन, अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे इन पापों के पीछे जिसका हाथ है उसे कानून के हवाले जरूर करना होगा। तुझे साहब से वादा करना होगा कि तू अपनी बाकी जिंदगी में ऐसा कोई काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। यही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। पंडा, अगर तुम सरकारी गवाह बनोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाऊंगा। सर, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। सर सर, मैं अपनी जान देकर उन गद्दारों को आपके हवाले करूंगा। सर, तब तक मेरी माँ का ख्याल रखिए। सर चलिए। सर चलो। देखो, तुम वहां जाके बैठो, किरण आता ही होगा। जाओ बैठो, जाओ। काफी देर हो गई है ना, आता ही होगा। बेटा किरण, तू कैसा है? अच्छा, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, रो क्यों रही हो? जिसने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाया, अगर मैं भी उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम किरण नहीं। ए, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। देखो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो प्लीज। से तुम्हारी राह देख रही हूँ ज्योतिका। नहीं, मेरी मलाइका, तुझे देखने के लिए मैं कितने दिनों से तड़प रहा था। तुमसे दूर होकर ही मैंने जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरा भी वही हाल है। तुम्हें एक झलक देखने के लिए मेरा दिल कितना बेताब था पता है? मैं वहाँ जेल में था लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास था मलाइका। 15 दिन तक मैं जेल में रहा तो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे। अगर मुझे तुम्हारा सहारा ना मिलता तो मैं सचमुच सलमान खान की तरह पागल बनकर अहमदाबाद की गलियों में घूमता होता। अब मुझे मेरी मलाइका मिल गई। मार, मैं भी तुमसे जुदा होकर जी नहीं पाऊंगी। मैं जानता हूँ। I love you। टचअप करो। हाँ भाई, आठ रा लड़ हाँ चल। हाँ, वहाँ खड़े खड़े क्या उतार रहा? चलो आर्टिस्ट को नहीं समझा हो गया, जल्दी चलाओ, चलो जल्दी चलिए। हाँ ओके। मैडम, सीन नंबर 22 इसमें ये है कि आप धीरे से आती है तो एक गुंडा।
चाहते हो? अभी बताता हूँ। मुझे मारना चाहते हो? Of course. बस इतना ही ना? ठीक है। तुम जानती हो कि पांडा का अलकायदा से क्या रिश्ता है? बताओ। लगा लिया यार। थैंक यू यार। वो बच के कहाँ जाएगा? जरूर
उसे फांसी तो होगी। हाँ जरूर होगी, तुम देख लेना। हाँ जरूर। हाँ अब क्या करें? क्या हुआ यार? करीमुला और उसके गुंडे खंडर में छुपे हैं। वहाँ क्यों छुपे हैं? तुम्हारी माशुका को खंडर में ले गए हैं। भरत साहब की बहन का अपहरण करके वो अपने आदमियों को छुड़ाना चाहता है, ये भरत साहब भी जानते हैं। आशा ने हमें बेकसूर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। शाबाश, इतने सालों से जिसका इंतजार था वो आ गई। ए आजा, ये ऐसे नहीं मानेगी, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ए आज हम बजाएंगे तेरा बाजा। तुझे देखकर लगता है तू ऐसा ही आदमी है। अरे जल्दी फोन करना। ए देखना यार, इसमें से नंबर तो जा ही नहीं रहा है। ला इधर ला। ऑफ था, ऑन करके दिया है, लगा। देखो जो मैंने बोला वही बोलने के लिए बोलो लौंडिया से। ए बात कर। नहीं नहीं करेगी। मैं बात नहीं करूंगी। बात करेगी या नहीं? बात कर। नहीं। आखिर किसका बेटा है ये? कितना रिस्क लिया तूने? हाँ हेलो मिस्टर परिमल, कांग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। उस दिन अनजाने में मैंने किरण के बारे में बहुत कुछ कह दिया था। ये कोई देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है। आपके बेटे ने अलकायदा के आतंकवादियों को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादियों के चंगुल से कई लोगों को उसने बचाया भी। इसलिए आपके बेटे को सरकार की तरफ से
हम एक मेडल देने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इतना बड़ा साहसिक कारनामा करने के बाद आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके? आप अपनी भावनाएं इस माइक में व्यक्त कर सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस का साथ दें। क्यों, पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता? एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम सबका यह फर्ज है कि अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करें, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम मीडिया वाले आपको तहे दिल से सलाम करते हैं सर। सर, आपके साहस की दाद देनी होगी। थैंक यू। मैंने तभी कहा था ना कि ये मेरा बेटा है, जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। अरे मेरा भी तो दामाद है ना, मेरी आन बान शान मान, मेरा अभिमान। हाँ। खैर वो सब छोड़िए, जरा सेल दीजिए अपना मुझे। सेल कतई नहीं, सेल की वजह से ही मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में फंस गया। अच्छा? था ना, आगे से सेल की बात की तो सेल में डाल दूंगा, इतना याद रखना। ना बाबा, ना सेल नहीं चाहिए।